हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप रेलवे कर्मचारी या रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के निशान के भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। कमरेड मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नाराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमसे टकराएगा जोर से, गुलिया गुलिया भट ले भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ ही भट ले, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और चमोला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बहुत बहुत एक युवक विवेकानंद जैसा युवा बनो, उन्होंने अपने देश का नाम चलाया। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो विवेकानंद, हमारे देश को कोई नहीं जानता था, इंडिया को, तब ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे ने, तो हमारे देश का सबसे ऊंचा नाम क्या था, विवेकानंद जी को मैं नमन करता हूँ। 12 जनवरी 1900 का कुछ समझो, मैं नौकरी हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, देश के लिए करना सीखो। हम यूनियन का सहारा लेते हैं, ये हमारी मदद कर, कोई ये नहीं हमारा ट्रांस। मैं गोवा में था तब भी मैं सोचता कर मेरा ट्रांसफर हो जाए भगवान के भरोसे। ऐसा युवा बनो, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना ट्रांसफर सब जगह हो जाएगा, अपने घर भी पहुंच जाएंगे। ऐसा युवा बनो, कम से कम दुनिया ये गरीब, कितने गरीब, हमसे भी बहुत गरीब है, अपना पेट फुटपाथ पे रह रहे हैं। अरे उनकी सेवा करो जिससे हमको कुछ मिले, ये जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए मिला, ये थोड़ी अपनी जिंदगी के लिए मिला। ऐसा आराम तो सब कोई कर लेता है, अरे ऐसा आराम तो सब कोई कर लेता है, लेकिन खुद के लिए जीना सीखो। खुद के लिए तो सब कोई जीता है, देश के लिए जीना सीखो, गरीबों के लिए। अरे चींटी भी मर जाती है तो वो हमारे लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं, अपने पैरों से तले कुचल के मर जाती है, लेकिन उनको भी देखना, वो भी जीव है उसमें भी। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी का बुरा मत सोचो, कर भला होगा भला, ये अपने दिल में रखो। ये थोड़ी एक हमारे जीवन में आए, ये सब कुछ आए हैं सो जाएगा, राजा हो चाहे रंग, अरे पैसा दुनिया में रह जाएगा, लेकिन जीवन में कभी किसी से मिलोगे ना क्या प्रेम, सबको नमस्कार करेगा, मेरा यही विनती है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो 10% से 20% किया है और 50-40 से 30% किया, मैं सबसे यही निवेदन करूँ, आप सबसे ज्यादा प्रयास उसी में रखो हमारे डिपार्टमेंट के, और हर साल आने चाहिए, जो भी अभी रुका हुआ है उनके जल्द से जल्द नियुक्ति मिलनी चाहिए। सर मैं शाखा सचिव, शाखा प्रधान, कोषाध्यक्ष, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे इंजीनियर डिपार्टमेंट सबसे खराब हालत इंजीनियरिंग के, पढ़े लिखो की कोई कमी नहीं है इन्हों में, सब योग्यता है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की वजह से पीछे है। और मैं सभी से विनती करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट भाग लेने की कोशिश करें, पढ़े लिखे तुम भी हो, तुम मास्टर गार्ड सब बन सकते हो, लेकिन हमारी कमी है फूट के कारण, सब में फूट है, एकजुटता नहीं है, हम पीछे हट जाते हैं। आज सुरेश का काम है, कल मेरा है, मैं मुंह दिखा के पीछे हट जाता हूँ, मैं मुंह दिखा के पीछे हटता हूँ। अगर तुम साथ देते हो तो कौन तुम्हारी ताकत को रोक सकता है, बताओ मेरे को, कोई नहीं रोक सकता। IN साहब से मैं बात कर सकूं, DN साहब से मैं बात कर दूं, लेकिन पीछे तो तुम ही नहीं, मैं किससे बात करूं बताओ। बोलने की ताकत कम है लेकिन बोलते नहीं, सब पीछे हट जाते हो। आज सैनी साहब आए, कल हुड्डा साहब आएंगे, कल तीसरे साहब आएंगे, लेकिन हम में ताकत होनी चाहिए, जब भी तो ये खड़े होंगे, जब हम काम नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये काम नहीं करता, और पीछे से दिखा देते हो हम ताकतवर है, क्या ताकतवर हो तुम। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई किसी का कोई प्यार कुछ